ऐश्वर्या राय एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और 1994 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता हैं। बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने विभिन्न दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया है। उन्हें 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिले हैं और उन्हें वर्ष 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2007 में अपने सह कलाकार अभिषेक बच्चन से शादी करने के बाद ऐश्वर्या ने 2011 में युगल के पहले बच्चे के जन्म के कारण अभिनय से ब्रेक लिया। उन्होंने साल 2015 में फिल्म जज्बा से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। प्रारंभिक जीवन ऐश्वर्या राय का जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में एक सेनाजी विज्ञानी कृष्णराज और एक गृहिणी वृंदा के घर हुआ था। परिवार के मुंबई चले जाने के बाद उनका दाखिला आर्यन विद्या मंदिर हाई स्कूल में हुआ। बाद में उन्होंने डीजी रुपारेल कॉलेज में शामिल होने से पहले एक साल के लिए जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई की। यद्यपि उन्हें अपनी किशोरावस्था के दौरान शास्त्रीय संगीत और नृत्य में प्रशिक्षित किया गया था, ऐश्वर्या एक पेशे के रूप में दवा लेने की इच्छा रखती थी। बाद में उन्होंने आर्किटेक्ट बनने की योजना के साथ रचना संसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए जल्द ही अपनी शिक्षा छोड़ दी। कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट करने के बाद ऐश्वर्या राय ने वर्ष 1991 में फोर द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर मॉडल प्रतियोगिता जीती। हालांकि वह पहली बार तब सुर्खियों में आई जब वे आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी के लिए टेलीविजन विज्ञापन में दिखाई दी। विज्ञापन में उन्हें अपनी लाइन डैश हाई आईएम संरचना के लिए तुरंत पहचान मिली। इसके अलावा वर्ष 1994 में वह मिस इंडिया पेजेंट में दूसरे स्थान पर रही, लेकिन उसी वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर तब तक जारी रखा जब तक उन्होंने अभिनय में कदम नहीं रखा। व्यक्तिगत जीवन, ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में काम करना शुरू करने के बाद उन्होंने सलमान खान को 2 साल की अवधि के लिए डेट किया, जब तक कि 2001 में दोनों ने अलग होने का फैसला नहीं किया। बाद में फिल्म धूम 2 की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने सह कलाकार अभिषेक बच्चन से प्यार हो गया। इस जोड़ी ने पहले 2 फिल्मों में एक साथ अभिनय किया था, ढाई अक्षर प्रेम के और कुछ ना कहो। 14 जनवरी 2007 को ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से सगाई कर ली और 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में बच्चन परिवार के निवास प्रतीक्षा में एक निजी समारोह में दोनों ने शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद राय ने 16 नवंबर 2011 को अपने पहले बच्चे आराध्या को जन्म दिया। अभिनय करियर। एक सफल मॉडलिंग करियर के दौरान ऐश्वर्या ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया और 1997 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरवर से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता थी और इसे कई पुरस्कार मिले। उसी वर्ष उन्होंने और प्यार हो गया के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। ये दोनों फिल्में व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। हालांकि उन्होंने फिल्म और प्यार हो गया में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए स्क्रीन अवार्ड हासिल किया। एक साल बाद जीम साई, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही और राय के प्रदर्शन की सराहना की गई। बाद में वर्ष 1999 में उन्होंने फिल्म अब लौट चले में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी विफलता साबित हुई। फिल्म ताल की रिलीज के बाद ऐश्वर्या ने तमिल फिल्म कंदुकोंडन में अभिनय किया, जिसे 2000 में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। 2002 में ही देवदास में उनकी भूमिका ने उन्हें अपने करियर में एक उत्थान दिया। राय के लिए देवदास की सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि उनकी दो अगली रिलीज दिल का रिश्ता और कुछ ना कहो बॉक्स ऑफिस पर विनाशकारी साबित हुई। इसके अलावा राय के मिश्रित बैग अभिनय करियर में एक और कदम आया, क्योंकि वे क्यों जैसी फिल्मों के साथ दर्शकों और आलोचकों को प्रभावित करने में विफल रही। हो गया ना, दुल्हन और पूर्वाग्रह, शब्द, उमराव जान और मसालों की मालकिन। हालांकि उन्होंने मणिरत्नम के गुरुवार और आशुतोष गुवारिकर की जोधा अकबर में उल्लेखनीय प्रदर्शन के साथ अपने अभिनय करियर को पुनर्जीवित किया। ये दोनों फिल्में व्यावसायिक हिट थी। 2010 में राय ने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ओर रुख किया और मणिरत्नम की रावणन और एस शंकर की एन किरण में अभिनय किया, जो उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी और भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। रावणन को एक साथ हिंदी में भी शूट किया गया था, जिसका शीर्षक रावण था। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। अभिनय से 5 साल का ब्रेक लेने से पहले राय ने संजय लीला भंसाली की 2010 में रिलीज हुई गुजारिश में अभिनय किया, जिसमें ऋतिक रोशन भी थे।
हालांकि फिल्म व्यावसायिक हिट नहीं थी, राय ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से आलोचकों को प्रभावित किया। टेलीग्राफ ने इसे राय के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक के रूप में वर्णित किया। अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद राय ने 2015 में संजय गुप्ता की जज्बा के साथ 5 साल के अंतराल के बाद अभिनय में वापसी की। हालांकि फिल्म को मध्यम प्रतिक्रिया मिली और ये औसत हिट रही। 2016 में ऐश्वर्या ने अपने करियर की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक सर्वजीत में अभिनय किया, जो एक भारतीय किसान सर्वजीत सिंह के जीवन पर आधारित है, जिसे पाकिस्तानी अदालत ने आतंकवाद के कृत्य के लिए दोषी ठहराया था। उन्हें करण जौहर की व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के साथ सबा तैयार खान की भूमिका में भी देखा गया था और उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उनकी 2018 की परियोजनाओं में फरने खान शामिल है, जो 18 साल के लंबे अंतराल के बाद अनिल कपूर के साथ उनके सहयोग को चिन्हित करती है।